जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को ले लाया हूँ 2011-12 में जो सीआरपीएफ की ट्रेड्समैन में जो सफाई कर्मचारी की जो ट्रेड क्वेश्चन आया था, 10 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, जो भाई ने नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। और जो लोगों ने मिलिट्री पैरामिलिट्री की जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, कहीं यूट्यूब चैनल दिखाऊँ दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन पहले जो वीडियो में डाला हूँ उसी क्वेश्चन को अपना वीडियो में डाल के वो फिर थंबनेल लगा के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कहीं वो मतलब भूल भाल भी आपको डाटा देते हैं, समझ रहे कि नहीं, गलत भी डाटा आपको देते रहते हैं, तो उस चीज़ पर आप भरोसा मत कीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ है जो सीआरपीएफ का एग्जाम होता है, चाहे ट्रेडमैन हो, मिनिस्टेरियल हो, स्टेनोग्राफर हो, इस चीज़ एग्जाम में ना दोस्तों डिपार्टमेंटल के एग्जाम होता है, उसमें क्या है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर्स होता है, आंसर शीट एक ही साथ जमा हो जाता है। जैसे आप लोग एसएससी दिया हुआ, रेलवे दिया हुआ, उसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपको उसको दे देते हैं एग्जामिनर को, और क्वेश्चन पेपर आप हाथ में मिल जाता है। पर सीआरपी में ऐसे अब तक भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, जो सीआरपीएफ का डिपार्टमेंटल आदमी है, जो सीआरपीएफ क्या कहीं फौज में नौकरी करता है, तो वो ला सकता है, ठीक है दोस्तों। उसमें मतलब मेहनत भी करना पड़ेगा, इतना इजीली नहीं ला सकते। तो आपके मन में सोच रहे हो कि भाई मैं कहाँ से क्वेश्चन पेपर लाया, तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझदारों को इशारा काफ़ी है, ठीक है भाई। कैसे लाया होगा आप समझ गए होगे, तो समझदारों को इशारा काफ़ी है, थोड़ा मेरे को मेहनत करना पड़ा कहाँ कैसे लाना है। तो बाकी मेरे पास 2011 का, 2013 का, 2015 का और 2016 का, कम से कम 4-5 साल का मेरा क्वेश्चन पेपर है। मैं आप लोग को बार बार, आपको वीडियो लंबा हो जाता है ना, इसीलिए आप लोग को 10-10, 20-20 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले हमारा क्वेश्चन को, और क्या क्वेश्चन आता है आप लोग देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉट ए साइन ऑफ सेप्टिक टैंक फुल, नीचे दिए गए कौन सी लक्षण जो है सेप्टिक टैंक का ना भरने का दर्शाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लो ये सेप्टिक टैंक क्या होता है। दोस्तों, हम लोग घर में जो यूज करते हैं, जितना गंदगी पानी, जितना लैट्रिन का जो पानी निकलता है अपना जो यूज करते हैं, उसका पानी जाकर एक सेप्टिक टैंक में पहुंचता है, तो उसको सेप्टिक टैंक बोला जाता है, जो अपना घर के पीछे के घर के नीचे रखा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो लक्षण जो होता है, जो ना भरने का, ठीक है दोस्तों, जब भर जाता है तो उसका एक लक्षण होता है जो ना भरने का। तो एक इसको दोस्तों, इसका पहला है ऑडर्स, जो मतलब बदबू देता है। दोस्तों, जब ये भर जाता है तब बदबू देता है। उसके बाद फास्ट ड्रेन, तेजी से नाली बहना। उसके बाद गर्गलिंग पाइप्स, गलगल आवाज करना, गलगल। और लैट्रिन ब्लॉकेज, शौचालय में रुकावट। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है फास्ट ड्रेन, मतलब तेजी से नाली बहना। दोस्तों, जब भी ये जो लैट्रिन सेप्टिक टैंक जब भर जाता है दोस्तों, पानी बिल्कुल जोर से नहीं जाता है दोस्तों, पूरा लैट्रिन जाम हो जाता है और जितना नाली है वो भी जाम हो जाता है, क्योंकि पानी भर जाता है, वो ओवरफ्लो होना शुरू कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 का जो ट्रेडमैन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। वीडियो मध्य में ये कहकु चाहूँगी, जो ओडिया भाई मैंने वीडियो को देखुं से जानी रखुं, यूथ आइकन कैरियर एकेडमी जहाँ हो भुवनेश्वर ठार 60 किलोमीटर दूर, टांगीग्राम अवस्थित, और खोर्धा ठार 40 किलोमीटर दूर, और बालुगाँ ठार 30 किलोमीटर पछरे रही। तेणु जो भाई मैंने फिजिकाल एवं रिटर्न प्रिपेरेशन ने चाहते, आर्मी, नावी, एयरफोर्स एवं पारामिलिटारी फोर्स, जपरिक सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबी पर जेकोसी फोर्स, चाहे ट्रेड्समैन हो कि जीडी हो कि जेकोसी हायर रैंक अफिसर पर चाहते, तेणु तर जब इच्छुक अच्छे, तेणु यूथ आइकन कैरियर एकेडमी आपण मैंने जॉइनिंग करेंगे। जदि अधिक जानापी आपण मैंने डिस्क्रिप्शन रे रही नंबर रे आपण मैंने संपर्क करें, ठीक अच्छे दोस्त। चलतु आम भिडियो देखा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वेस्ट कैंट बर्न इन फायर, कौन सी कचड़ा को हम आग से नहीं जला सकते, एक न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिक बल्ब, प्लास्टिक बॉटल्स, ड्राई लीव, सूखा पत्ता। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों बी। दोस्तों, न्यूज़पेपर को हम चाहे तो जला सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स और सूखा पत्ता को जला सकते हैं, पर इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको जलाने से भी थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्लांट इज कॉजेस रिस्क फॉर स्लीपिंग इन सीमेंट फ्लोर, कौन सी पौधे की वजह से जो सीमेंट की चट्टान में स्लिप होने की आशंका होता है। दोस्तों, एक है ग्रीन अलागे, हरे शैवाल, फुंगी, कवक, पैरासाइट, परजीवी, ये सारे इनके कारण है। दोस्तों, इसका जो है आंसर रहेगा ए,
हरे शैवाल ग्रीन अलगे। दोस्तों आप लोग दिखे होंगे कई बार चट्टान में जो हरे कलर का एक जो घास जैसा आप लोग देखिए पूरी छोटे छोटे हो जाते हैं जो उसको हरे शैवाल बोलते हैं, जो उसमें हमारा पैर वगैरह स्लिप होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हरे शैवाल। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2011 में नहीं 2015 में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है सफाई कर्मचारी ट्रेड क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वभौमिक विलायक किसे कहते हैं। दोस्तों सार्वभौमिक विलायक मतलब चाहे एक ऐसा जो आइटम हो है, जो चीज़ है लिक्विड है जो किसी में भी मिला तो मिल जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 में नहीं 2013 की ट्रेड में और 2015 की ट्रेड में लगातार 3 साल तक ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर तो पहले देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, अल्कोहल सॉल्ट वाटर शुगर। तो दोस्तों इसका आंसर है वाटर, पानी जो होता है दोस्तों सारे चीज़ों में मिल जाता है, तो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बा सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए ये ट्रेड क्वेश्चन बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा 5th क्वेश्चन है वेयर इज 2008 ओलंपिक्स गेम ऑर्गेनाइज, 2008 का ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन है दिल्ली, ग्रीस, टोक्यो, बेंजिंग। दोस्तों ये जो चाइना की बेंजिंग में इसका जो 2008 के ओलंपिक्स आयोजित किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर है डी। दोस्तों हमारा 6th क्वेश्चन जो है व्हिच इज नॉट बिलोंग ह्यूमन वेस्ट, इनमें से कौन सी जो है मानव अपशिष्ट अंतर्भुक्त नहीं आते। दोस्तों मानव अपशिष्ट मतलब जो मानव की वजह से जो वेस्ट करता है अपने शरीर से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं। दोस्तों एक है स्टूल जो मल होता है, यूरिन, मूत्र, स्पिट, थूक, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ये सारे अंतर्भुक्त है, इसका आंसर होगा डी दोस्तों, क्योंकि सारे मल मूत्र थूक जो आदमी से खुद ये वेस्ट निकालता है, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सारे अंतर्भुक्त है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 और 12 की ट्रेड क्वेश्चन में आया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, WHO का फुल फॉर्म क्या है। एक तो है वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हायर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑप्शन है सी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था 2011-12 ट्रेड्समैन की ट्रेड क्वेश्चन में आया था। ठीक है दोस्तों ये ट्रेड क्वेश्चन में आया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल साइन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक संकेत क्या है। दोस्तों फर्स्ट एक से ऑप्शन C2O, NCO2, SO3। दोस्तों इसका जो आंसर है सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल साइन है। दोस्तों ये था ट्रेड क्वेश्चन 2011-12 का, दोस्तों ये ट्रेड क्वेश्चन था। हमारा 9th क्वेश्चन है वेयर इज यूज कॉटन मोस्ट, सूती का पोछा कहाँ इस्तेमाल करना सही होता है। दोस्तों ये 2011-12 में सिर्फ नहीं 2015 में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। एक है बाथरूम, टॉयलेट, ड्रेन क्लीनिंग और लिविंग रूम। दोस्तों इसका जो आंसर है लिविंग रूम, बैठक कक्ष, क्योंकि ये जो है ये जो मैदान थोड़ा सूखा रहता है इसमें जितना सूखा सूती का पोछा मारना आसान रहता है, क्योंकि बाकी जो है बाथरूम, टॉयलेट और ड्रेन क्लीनिंग में वाइपर वगैरह हम लोग यूज करने से सही रहता है, बाकी इसमें जो सूती का पोछा, जो सूता का जो पोछा होता है वो यूज करना सही होता है। ठीक है दोस्तों इसका आंसर है डी, लिविंग रूम जो बैठक कक्ष होता है। दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉडल टॉयलेट्स, इसमें से कौन सी भारतीय शैली की शौचालय की लक्षण है। एक तो 2 फुट होल्ड्स, 2 पैर रखने के जगह, हबिंग वाटर स्प्रेयर, पानी छिड़कने वाला स्प्रेयर होता है, फैसिलिटी फॉर सीट बैठने की सुविधा, हबिंग पैन, एक पैन होता है। दोस्तों इसका आंसर जो है 2 फुट होल्ड्स। दोस्तों फुट होल्ड पहले आप लोग समझ लो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ पिक्चर में। ये जो दोस्तों आप लोग को अभी पिक्चर दिख रहा है ये इंडियन स्टाइल की लैट्रिन है, तो इसका जो फुट होल्ड है ये दोस्तों जहाँ पे हम लैट्रिन बैठने के समय जो पैर रख के जहाँ बैठते हैं उसी को फुट होल्ड मतलब पैर रखने की जगह होता है। तो दोस्तों ये है इंडियन स्टाइल का जो लैट्रिन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 फोल्ड होल्ड्स, जो ए है इसका 2 पैर रखने की जगह होता है। बाकी जो है बी सी डी ये जो है वेस्टर्न लैटिन, जो कमोड जो पैन लैटिन होता है उसका जो मॉडल की ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहु मात्रा में शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, मैं आप लोग को हर बार क्वेश्चन लाते रहूँगा, आप लोग टेंशन मत लो और आप लोग को बढ़िया से प्रिपरेशन करो रिटर्न की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग जानते हो 50 मार्क जो GK मैथ रीजनिंग उसका बुक मिल जाता है,
बाकी जो सफाई कर्मचारी का बुक नहीं मिलता है, कई भाइयों ने मुझे 100 बार क्वेश्चन कर लिए, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ इसका कोई बुक नहीं है स्पेसिफिक, आप लोग को कहीं ढूंढ के इसको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।